फर्स्ट पोजीशन पर थे ओवरऑल लीडरबोर्ड में, उसको वापस लेने का। ऑरेंज ऑके आइटो भी बचे हुए हैं, लेकिन फनाटिक का गेम प्ले काबिले तारीफ रहा, 11 किल्स जो स्कूल की पूरी टीम ने निकाले थे। एंड मेगा सॉरी इनसेन की स्क्वाड के लिए दिक्कत है यहाँ पर, कर्ज के बीएससी क्रॉस के सीजी ऑफिस टैप शॉट्स दे रहे थे, बट अब बाहर निकलना है, अब पूरी फाइट्स आती हैं कवर्स की। आप अपने लिए कौन सा पोटेंशियल कवर रख सकते हो, बस इस मूवमेंट पर, इस टाइम पर, इस फाइट में, इस जोन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कवर्स ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि आप क्लच शॉट को देख सकते हैं अभी इस एरिया, वो लेवल 3 का आर्मर लेने के लिए जाए, स्मोक्स डाल के जा सकते हैं, बिकॉज दो स्मोक्स एंड आप एक यू कैन से एक एक्सक्लूसिव गन जो कि सिर्फ एयर ड्रॉप पे आता है, क्या पता वहाँ पे ग्रोजा हो फाइनल सर्कल में, एक अलग ही लेवल का डोमिनेशन हो, क्या पता वहाँ पे डीपीएस हो भी हो सकता है। बट खैर अगर हम आए इस सब चीजों में, क्लच गॉड के सामने का आपने देखा कि दरवाजा टूट गया था, अगली गोली क्लच गॉड के लिए भी हो सकती थी, तो वहां पर मुश्किलें थोड़ी सी बन सकती थी। टीएस मेंट क्लच गॉड ग्रेनेड्स करने का पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं, बीएसजी क्रॉलर्स के प्लेयर्स दे माइट बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, बट स्टिल यहाँ पर 6 टीम्स बची हैं, 15 लोग बचे हुए पूरी की पूरी फाइट्स के लिए, देखते हैं क्या होता है एंड इस सर्कल के बाहर। बिल्कुल एंटो ने वहां पे आईएनएस के मशीन को नॉकडाउन कर दिया, बट इस टाइम पे गाइस एक बार प्रिडिक्ट कर दो चैट सेक्शन में कि कौन सी टीम जीतने वाले, बिकॉज बहुत ज्यादा केओस यहां पे बना हुआ, बिकॉज ऑरेंज रॉक का एंटो अकेला जिंदा है और वो अपने आप को स्पॉट करवा बैठे, बट ईविल आई ने यहां पे विच क्रॉल के सीजी को नॉकडाउन करा एंड और एंटो यहां पे फिनिश होते हुए विद अ ग्रेनेड एंड यहां पे क्रेटोस भी स्पॉट होते हुए, नियो ने यहां पे फिनिश करा, एक किल अपने नाम लिया और अभी देखते हैं टीम INDB एलिमिनेट हो चुके हैं, 4 टीमें सिर्फ जिंदा इस वाले जोन में। कापशी ने वहां पे ईवो को नॉकडाउन करा एंड टीएसएम की टीम नियो ने वाला किल कंफर्म, ओके यहां पे ग्रेनेड आखिरी में आता हुआ ईवल आई का ईवो यहां पे फिनिश होते हुए, बट नियो वहां पे बैडरेव को भी नॉकडाउन करते हुए टीएसएम एंटिटी नियो कापशी को पूरा फिनिश करा उन्होंने, 4 टीमें अभी भी जिंदा है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप टीएसएम एंटिटी आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिल रहा है, बट वहां पे अभी अकेले प्लेयर जिंदा है, वहां पे मशीन वहां पे नॉकडाउन होते हुए आई थिंक जोन से वो नॉकडाउन हुए हैं, जाके डैमेज पड़ा था उनका, सिनर्जी भी वहां पे पेशेंटली वेट कर रही है। यहां पे वीएसजी क्रॉलर्स का पूरा स्क्वाड यहां पे एलिमिनेट होता हुआ, ईविल आई अकेले प्लेयर बचे वहां पे, श्राइडर चाहेंगे कि वो ग्रेनेड किल अपने नाम ले एंड एक ग्रेनेड थ्रो करें हालांकि, बट देखते किस तरीके से वहां पे वो किल निकालेंगे। बट यस INES एलिमिनेट होती हुई तीसरी पोजीशन में, प्ले जोन से वहां पे ईविल आई फिनिश हुए एंड वो किल उन्होंने सामने सिनर्जी को नहीं दिया। दो बड़े नाम बचते हैं अब इस पूरी की पूरी फाइट।